एवरीवन, दिस इज चिंजन, दिस इज दिवंजनी। आज आ गए हैं एकदम ही डिफरेंट जॉनरा के ऊपर फेसबुक लाइव लेकर आप लोगों के लिए। होपफुली आप लोग को पसंद आएगा। कैसा लगा प्लीज एपिसोड पूरा देखने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, इट्स अ रिक्वेस्ट। क्योंकि आज का जो एपिसोड है एकदम लेटेस्ट अराइवल नया कलेक्शन के ऊपर है। होपफुली आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा एंड आप लोग को पसंद भी आएगा। एंड अगर पसंद आया प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड मुझे भी इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड बिना किसी देरी के, लेट्स गेट स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर संडे स्पेशल एपिसोड। आज के एपिसोड में हम बहुत से डिफरेंट ऐसे वैराइटीज दिखाने वाले हैं जिन साड़ियों को आप हमेशा बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। आज के साड़ियों में एक चीज़ कॉमन है, एक्चुअली दो चीज़ कॉमन है। पहला ये कि हर साड़ी में आपको एक प्रिंटेड मोटिव देखने को मिलेगा एंड मैक्सिमम साड़ियों में प्रिंट के साथ साथ आपको कुछ वैल्यू एडिशंस या वर्क देखने को मिलेगा, बट मोस्टली हर साड़ियों में आपको प्रिंट देखने को मिलेगा। एंड द सेकेंड कॉमन थिंग इन ऑल द साड़ीज टुडे इज दैट यू आर गोइंग टू अवेल एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स इन ऑल दिस पीसेस बिकॉज ऑफ द अपकमिंग फेस्टिव सीजन। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द साड़ी दैट आई एम वेयरिंग टुडे, दिस ब्यूटिफुल ब्लैक साड़ी। नाउ दिस साड़ी, इसका जो बेस फैब्रिक है दिस कम्स इन सेमी टसर फैब्रिक, उसके ऊपर ब्यूटिफुल यू नो ऐसे फॉल कलर्स के फ्लोरल डिजिटल प्रिंट एंड साथ में गोल्डन कलर के जरी से ऐसे चेन स्टिचिंग किया गया है। तो दिस गोल्डन जरी चेन स्टिचिंग एड्स टू द गॉर्जियसनेस ऑफ द साड़ी, बट बीइंग अ ब्लैक साड़ी दिस साड़ी आई विल सजेस्ट फॉर द अपकमिंग दुर्गा पूजा, डेफिनेटली नवमी नाइट। एंड अदर देन दैट this saree is a very beautiful party wear saree as well. This is a very gorgeous piece. Iska semi tussar fabric actually saree ko ek elegance add karta hai. Yes, you can see this beautiful semi tussar texture. यहाँ पर आप देख सकते हैं beautiful rose gold zari का border and यहाँ पर आप देख सकते हैं neem zari का outline दिया गया है। Base fabric semi tussar texture भी आप देखिए, this is the pandu design, really amazing. All over the This is a beautiful silk saree and बहुत से ऐसे लोग हैं जो यू नो प्रिंटेड टसर पहनना पसंद करते हैं, प्रिंटेड प्योर सिल्क, प्रिंटेड बिष्णुपुरी सिल्क, ऐसे साड़ियों का शौक जिन लोगों को है दे आर डेफिनेटली गोइंग टू लाइक दिस साड़ी वेरी वेरी मच। द प्राइस इट सेल्फ इज वेरी रीजनेबल एंड उसके ऊपर आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। सिर्फ संडे स्पेशल एपिसोड में हम इसे शोकेस कर रहे हैं इसके वजह से। आज हम लोग यू नो रक्षाबंधन स्पेशल एपिसोड कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे वीक, इसीलिए हम लोग ये डिस्काउंट दे रहे हैं। दिस इज द ब्लाउज पीस, दिस इज द नेक्स्ट पीस जो एंटायरली बाटिक, जो ट्रेडिशनल बाटिक प्रिंट होता है बिल्कुल उसी में आ रहा है। एंड इसका कलर आप लोग देख सकते हैं, दिस इज इन अ डार्क मॉस ग्रीन कलर। ये सभी साड़ियाँ रेगुलर वेयर के लिए, डेली वेयर के लिए बहुत अच्छा है, गिफ्टिंग के लिए भी बहुत अच्छा है बिकॉज ये साड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा बजट रेंज में है, बहुत सॉफ्ट एंड कम्फर्टेबल है एंड ट्रेडिशनल लुक में भी है। यस, ब्यूटिफुल डिज़ाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ब्यूटिफुल। ये पूरा ही डिजिटल प्रिंट के ऊपर है, हमने जयपुर प्रिंट का एक थीम इस साड़ी को यू नो दिया है डिजिटल प्रिंट के ऊपर, वेरी नाइस एंड कम्फर्टेबल। यहाँ पे बेस फैब्रिक का टेक्सचर देखिए लिनन के ऊपर है, ब्यूटीफुल ऑल ओवर देख लेंगे, रियली नाइस एंड लाइट वेट। डेली वेयर के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, इट्स अ रियली नाइस पीस। बेसिकली ये आप आराम से घर पे वॉश कर सकते हैं, आराम से घर पे वॉश कर सकते हैं, इसको कोई ड्राई क्लीनिंग करने की जरूरत नहीं है। ये डेली वेयर के लिए हम लोग इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि एकदम नो मेंटेनेंस साड़ी है, एकदम जीरो मेंटेनेंस। जो सब साड़ियां ज्यादा मेंटेनेंस डिमांड करते हैं वो डेली वेयर के लिए नहीं हो सकता है। एंड इस साड़ी के साथ आपको एक ब्यूटीफुल ब्लाउज पीस भी मिल जाता है। एब्सोल्युटली, दिस इज अनदर ब्यूटीफुल लुकिंग पीस। ये सीको बेस फैब्रिक के ऊपर है, इक्कत प्रिंट में जा रहा है एंड साथ में ये ब्यूटीफुल गॉर्जियस गोल्डन जरी बॉर्डर। तो ये अपकमिंग किसी भी यू नो ओकेशन के डे टाइम वेयर के लिए आप लोग इसे पहन सकते हैं क्योंकि साड़ी बहुत कंफर्टेबल है, आप इसको घंटों तक पहन के रख सकते हैं। अगर आपको काम करने की ज़रूरत है आप वो भी कर सकते हैं। यस, अमेजिंग डिज़ाइन, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल जरी का बॉर्डर दोनों तरफ, ऑल ओवर देख लेंगे साड़ी को।
इसका जो बेस कलर है पल्लू आप लोग देख सकते हैं रानी पिंक कलर में है, बॉर्डर भी पिंक है। बेस फैब्रिक में हमने एक बर्गंडी कलर का इस्तेमाल किया है, उसके ऊपर ऐसे इकत पैटर्न का प्रिंट आपको देखने को मिलेगा। एंड साड़ी का वेट एकदम नेग्लिजिबल है, बहुत ही लाइट वेट साड़ी है। चंदेरी के ऊपर है, दोनों तरफ आपको जरी का बॉर्डर देखने को मिल रहा है, रियली नाइस पीस, एकदम ट्रेडिशनल लुक का है। एंड साड़ी के साथ आपको बहुत ही ब्राइट ब्लाउज पीस भी मिल जाता है। अ ब्यूटीफुल प्रिंटेड लिनन साड़ी विथ अ वेरी लाइट यू नो टिश्यू जरी बॉर्डर। तो ये वाला साड़ी एक्चुअली डे टाइम वेयर के लिए भी अच्छा है, रेगुलर वेयर के लिए भी अच्छा है, दुर्गा पूजा में भी आप लोग इसे किसी भी दिन पहन सकते हैं। फोटोग्राफ्स विल कम अमेजिंग। नाउ दिस इज अ नाइस टिश्यू पल्लू। यस, यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्डन टिश्यू पल्लू, उसके साथ गोल्डन टिश्यू बॉर्डर एंड यहाँ पर लिनन के ऊपर डिजिटल प्रिंट ऑल ओवर कलमकारी थीम में। बेस फैब्रिक आपका व्हाइट के ऊपर है, ऑफ व्हाइट कलर, ऑफ व्हाइट कलर के ऊपर आइवरी कलर, इट्स लुकिंग वेरी वेरी नाइस। उसके ऊपर डिजिटल प्रिंट के ऊपर हमने कलमकारी थीम रखा है, बेस फैब्रिक लिनन के ऊपर है। ये रेगुलर वेयर के लिए बहुत ही परफेक्ट एक पीस है। बहुत दिनों से हम लोग फेस्टिव कलेक्शन ही दिखा रहे थे, हमारे पास यू नो फीडबैक आया कि कुछ रेगुलर वेयर के लिए जिन लोगों को साड़ी चाहिए था उन लोगों के लिए भी दिखाइए साड़ी। तो हमने आज के एपिसोड में कुछ ऐसे साड़ियाँ भी डाला है जो कि आप रेगुलर वेयर के लिए बहुत ही अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज द ब्लाउज, साड़ी के साथ आपको ब्लाउज पीस भी मिल जाता है। दिस इज द नेक्स्ट पीस, इसका कलर आप लोग देख सकते हैं बर्गंडी एंड कॉफी दोनों का एक कॉम्बिनेशन है ये वाला कलर। अगेन इसका बेस फैब्रिक सेमी टसर के ऊपर है, उसके साथ आपको जरी एंड सीक्वेंस दोनों का वैल्यू एडिशन देखने को मिलेगा जो कि साड़ी को बहुत गॉर्जियस बना देता है, ताकि आप लोग इसे किसी भी इन्विटेशन में भी पहन के जा सकें। क्योंकि इसका बेस फैब्रिक सेमी टसर है तो पूरा साड़ी बहुत एलिगेंट लुकिंग हो जाता है। कलर कॉम्बिनेशन इसका बहुत ही अच्छा है। यस, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम लेटेस्ट न्यू अराइवल्स, सेमी टसर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा अगेन कम्प्लीटली न्यू डिज़ाइन। यहाँ पर नीम जरी का वर्क है, यहाँ पे सीक्वेंस का वैल्यू एडिशन किया गया है। ऑल ओवर साड़ी में आपको ये सीक्वेंस का वैल्यू एडिशन मिलेगा। दिस इज द नैरो जरी, दोनों तरफ आपको ये नैरो जरी बॉर्डर भी देखने को मिलेगा, ब्यूटीफुल नाइस एंड ब्राइट ऑल ओवर देखने को। प्लीज कमेंट में मेंशन करके हमें बताइएगा कि कैसा लग रहा है। दीज आर ऑल न्यू अराइवल्स इन आवर फेस्टिव कलेक्शन। एंटायर साड़ी में आपको ये यू नो सीक्वेंस का वर्क मिलेगा एंड दिस इज द ब्लाउज पीस। एंड ब्लाउज पीस में भी देखिए प्रिंट तो हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट का डाला ही है, उसके साथ स्लीव्स के लिए भी हमने सीक्वेंस का वर्क दिया है। सिमिलर कॉन्सेप्ट में एक और पीस दिखाते हैं आप लोगों को, इसका कलर कॉम्बिनेशन देखिए हमने कैसा रखा है। बेस कलर इज इन अ ब्यूटिफुल स्लेट ग्रे कलर, उसके साथ लीफ पैटर्न हमने दिया है एंड साथ में एक ग्रीन है, एक यू नो एक लाइट मिंट ग्रीन है और एक सी ग्रीन है। yes. प्लीज कमेंट पर मेंशन करके हमें बताइएगा। ऑल ओवर यहाँ पे जो प्रिंट्स आपको देखने को मिल रहा है पूरा डिजिटल प्रिंट है, हालांकि पूरा हमने रेप्लिकेट किया है हैंड ब्लॉक प्रिंट को। देखने से आपको हैंड ब्लॉक प्रिंट की तरह ही लगेगा दूर से। एंड बेस फैब्रिक सेमी टसर, बहुत ही प्रीमियम फैब्रिक हमने बेस फैब्रिक में इस्तेमाल किए हैं, आपको दूर से पता भी नहीं चलेगा कि दिस इज नॉट प्योर टसर। एंड दिस इज द ब्लाउज पीस, ब्लाउज पीस में भी आप देख सकते हो वर्क है, स्लीव्स के लिए सीक्वेंस का वर्क। ओके, सो सम सैंपल पीसेस दैट वी आर गोइंग टू शोकेस फॉर दुर्गा पूजा 2023। नाउ जब भी हम लोग सैम्पल पीसेस दिखाते हैं हम लोग हमेशा एक डिज़ाइन के एटलीस्ट 5-6 कलर्स दिखाते हैं टू गेट योर फीडबैक कि कौन सा कलर आपको सबसे अच्छा लग रहा है। जिस कलर का सबसे अच्छा रिस्पॉन्स या फीडबैक हमें मिलेगा उसी कलर को हम लोग बाद में प्रोडक्शन में कंटिन्यू करते हैं। तो इस डिज़ाइन के मैं आपको 5 या 6 कलर कॉम्बिनेशन आज मैं दिखाने वाली हूँ। सो बेस फैब्रिक की पहले बात करते हैं। दिस इज अ टिशू कोटा साड़ी, ब्यूटिफुल बनारसी टिशू कोटा है, उसके साथ डिजिटल प्रिंट भी है और हैंड वोवन काथा एंड सीक्वेंस वर्क आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज द फर्स्ट कलर जो कि एक लाइट
पीच कलर में जा रहा है। बहुत ही लाइट वेट साड़ियाँ है ये एंड बहुत ही कंफर्टेबल होने वाले हैं। दिस इज द फर्स्ट कलर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल प्रिंट के ऊपर, यहाँ पर आप देखिए काथा वर्क, उसके साथ सेक्वेंस का भी वर्क। दिस इज द बेस फैब्रिक टिशू कोटा, एकदम नया डेवलपमेंट है हमारे फ्यूजन स्टूडियो में। यहाँ पर टैसल बंधा हुआ है, होपफुली आप लोगों को पसंद आ रहा है, नया कॉन्सेप्ट है, एकदम ही लाइट वेट है, रेगुलर ऑफिस गोअर्स के लिए परफेक्ट पीस रहेगा एंड घर में इसे आराम से बेझिझक आप होम वॉश कर सकते हैं। सिर्फ वॉशिंग मशीन में मत डालिएगा साड़ी को। यस बिल्कुल नहीं, वरना साड़ी ही खराब हो जाएगा पूरा। एंड आपका इंटेंशन हमेशा ये होना चाहिए कि साड़ी का जो लॉन्जिविटी है वो और बढ़े। सो ये जो फ्लोरल बंच, ये रोज पैटर्न में आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है ये पीस। बहुत ही सुंदर ड्रेप होगा इस साड़ी का, बहुत सुंदर ड्रेप आएगा एंड पूरे साड़ी में ये काथा वर्क, डिजिटल फ्लोरल प्रिंट और सेक्वेंस वर्क यूनिफॉर्मली देखने मिलेगा। नाउ लेट मी शो यू द ब्लाउज पीस। दिस इज द ब्लाउज पीस, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजिटल प्रिंट अगेन, ब्यूटीफुल डिजाइन। नाउ दिस इज कलर ऑप्शन बी। सेकेंड कलर ऑप्शन को हमने रखा है इस ब्यूटीफुल येल्लो कलर में। आप ये देख ही सकते हैं कि जो वैल्यू एडिशन हमने किए हैं, यहाँ पर देखिए पहले प्रिंट किए हैं, प्रिंट के ऊपर काथा स्टिच किया है, उसके साथ सेक्वेंस का भी हमने वीविंग डाला है। सो ये बेस फैब्रिक में आप देखिए, ये टिश्यू कोटा है, एकदम ही नया अराइवल है हमारे कलेक्शन में, फेस्टिव कलेक्शन। एंड दीज आर ऑल सैम्पल पीसेस, आप लोग का फीडबैक चाहिए। दिस इज कलर ऑप्शन बी। एंटायर साड़ी में आप देखिए ये प्रिंट का वर्क आपको देखने को मिलेगा। दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस एंड यू नो आई सूदिंग कलर। ब्लाउज पीस रनिंग में दिया गया है डिजिटल प्रिंट के ऊपर, आप देख सकते हैं। दिस इज कलर ऑप्शन सी। सो द थर्ड कलर ऑप्शन इज इन ग्रीन। पीच हो गया, येल्लो हो गया, नाउ इन ग्रीन। आई थिंक इट विल बी हार्ड टू चूज फॉर यू। एंड देखिए क्योंकि ग्रीन है, यहाँ पे हमने लीफ का जो कलर है वो अकॉर्डिंगली डाला है। डिजाइन सेम है लेकिन जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। एब्सोल्युटली, दिस इज कलर ऑप्शन सी। ऑल ओवर देखेंगे हम, इट ग्रीन के ऊपर है ये, लुकिंग रियली रियली नाइस। गिफ्टिंग के लिए साड़ी बहुत अच्छा है एंड समटाइम्स यू नो कुछ लोग होते हैं कि खुद के लिए एंड अपने सिस्टर के लिए या सिस्टर इन लॉ के लिए सेम साड़ी लेते हैं, जस्ट डिफरेंट कलर्स दे वेयर एंड दे वेयर इट ऑन द सेम डे, तो बहुत अच्छा भी लगता है। एब्सोल्युटली, पूरा साड़ी बिल्कुल ऐसे ही जाएगा। दिस इज द ब्लाउज पीस। कलर ऑप्शन डी। द फोर्थ कलर ऑप्शन इज इन अ वेरी लाइट पिंक कलर। ऐसे सॉफ्ट एंड लाइट वेट साड़ी में एक लाइट न्यूट पिंक कलर तो बनाना ही था हमें। एंड देखिए यहाँ पे भी लीफ कलर्स को हमने कैसे चेंज कर दिए हैं ताकि पिंक के साथ ये अच्छा लगे देखने में। यस एब्सोल्युटली, यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल यू नो कलर। यहाँ पर भी आप देखिए, इट्स लुकिंग रियली रियली नाइस। प्लीज कमेंट में मेंशन करके हमें बताइए। एक साड़ी का रिवर्स साइड भी आप लोगों को दिखा दूंगी सो दैट यू अंडरस्टैंड। ये पूरा हाथ से किया गया है। यहाँ पर आप देखिए, दिस इज द रिवर्स साइड। पूरा का पूरा वर्क जो है वो हाथ से किया गया है, प्रिंट के ऊपर काथा वर्क, उसके साथ सेक्वेंस का भी हमने यू नो वीविंग डाला है। सो ये पूरा हाथ से किया गया है, सो आपको एकदम चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज द ब्लाउज पीस। कौन से कलर ज्यादा पसंद आया आपको, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। एंड दिस इज कलर ऑप्शन ई। द फिफ्थ कलर ऑप्शन इज इन दिस वेरी ब्यूटीफुल एंड लाइट एक्वा ब्लू कलर। हर साड़ी के बॉडी कलर के साथ ऐसे मैचिंग टैसल्स भी हमने दे दिए हैं। बिल्कुल लाइट वेट है। यस बिल्कुल लाइट वेट है। यहाँ पर भी आप देखिए, इट्स रियली नाइस, ऑल ओवर देख लेंगे। एक तो ये साड़ी टिश्यू कोटा में जा रहा है, ऊपर से ये साड़ी एकदम बॉर्डरलेस कॉन्सेप्ट में है, तो ये पूरा साड़ी ही एक्चुअली बहुत डिफरेंट लुकिंग पीस है जो कि लाइट वेट में है।
एंड जिन लोगों को डिफरेंट डिफरेंट साड़ियों का कलेक्शन करने का शौक है, ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, बिकॉज एक बजट रेंज में एक बहुत ही न्यू वैरायटी ऑफ साड़ी हम लोग लेके आए हैं, जो कि अपकमिंग फेस्टिव सीजन के लिए बहुत ही अच्छा होगा। दिस इज द नेक्स्ट पीस। इसका जो बेस फैब्रिक है वो सेमी टसर में जा रहा है, उसके साथ कलमकारी एप्लिक वर्क पूरे साड़ी में आपको देखने को मिलेगा, एंड साथ ही साथ आपको ये मिरर वर्क का वैल्यू एडिशन देखने को मिलेगा। अनदर वेरी एलिगेंट लुकिंग पीस। जैसे ही साड़ी में बेस फैब्रिक सेमी टसर ऐसा बेस फैब्रिक हो जाता है, साथ में कलमकारी आ जाता है, तो इमीडिएटली साड़ी बहुत ज़्यादा एलिगेंट हो जाता है। वाओ, यहाँ पे तो आप देख सकते हैं हमारे उमली कलमकारी सीरीज से पूरा ही डिज़ाइन हमने उठा के यहाँ पे बिठा दिया है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैचवर्क में जो फैब्रिक इस्तेमाल किया है वो प्योर सिल्क नहीं है, एंड यहाँ पे जो प्रिंट किया गया है वो हाथ से नहीं है, डिजिटल प्रिंट है। इसके साथ यहाँ पे मिरर फिनिश वर्क भी आपको देखने को मिलेगा। ब्यूटीफुल डिज़ाइन, लुक एट द बेस फैब्रिक, एकदम ही प्योर टसर की तरह लुक अलाइक है पूरा बेस फैब्रिक। एप्लिक का फिनिशिंग आप लोग को एक बार दिखा देते हैं। दिस इज द रिवर्स साइड एप्लिक का फिनिशिंग, देखिए एकदम नीट, सालों साल बरकरार रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। एक और छोटा सा डिटेलिंग हमने ऐड किया है, जो ब्लाउज पीस का फैब्रिक हमने दिया है उससे ये हमने एक पाइपिंग का एक यू नो सेकंड लेयर दिया है साड़ी में। ऑल ओवर देख लेंगे साड़ी, फिनिशिंग साड़ी का बहुत बहुत अच्छा है। पीकॉक मोटिव तो आप सभी को बहुत पसंद आता ही है, एंड ऐसे डायगोनली यू नो कॉर्नर टू कॉर्नर वर्क जाता है अपर पोर्शन में, एंड देन सेकंड पोर्शन में आपको ये लोअर पोर्शन की तरफ आपको ऐसे पीकॉक मोटिव का एप्लिक वर्क देखने को मिलेगा, एंड हर मोटिव में आपको मिरर से हाईलाइट देखने को मिलेगा। पूरा साड़ी बिल्कुल ऐसे ही जाता है, एंड साथ में दिस ब्यूटिफुल प्रिंटेड ब्लाउज पीस जो कि अगेन सेमी टसर फैब्रिक में ही है। दिस नेक्स्ट पीस इज अगेन वेरी वेरी यू नो क्लासी लुकिंग। इस पीस के भी मैं आपको चार कलर ऑप्शंस दिखाने वाली हूँ, अगेन आप ही के फीडबैक को गैदर करने के लिए। तो डू डेफिनेटली लेट अस नो कि आपको इस डिज़ाइन में कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट कलर ऑप्शन, जो कि इस ब्यूटिफुल अमेजिंग यू नो लाइक ए येल्लोइश या गोल्डन टसर कलर में जा रहा है। साड़ी में जो बेस फैब्रिक हमने दिया है वो सेमी टसर है, देन ब्यूटिफुल कलमकारी प्रिंट है, एप्लिक नहीं है, एंड उसके साथ काथा वर्क आपको देखने को मिलेगा जो हाथ से किया गया है, पल्लू में काथा विद सेक्वेंस। इस यहाँ पर आप पल्लू में देखिए काथा विद सेक्वेंस वर्क, यहाँ पर डबल लेयर में वो देखने को मिलेगा आपको। दिस इज द बॉडी अगेन डिजिटल प्रिंट विद काथा, हैंड काथा ऑफकोर्स विद सेक्वेंस अगेन। yes. ये भी हाथ से ही किया गया है। यस, बहुत ही अच्छा है बेस फैब्रिक सेमी टसर अगेन। दिस इज द बॉर्डर, दोनों तरफ आपको गोल्डन जरी का बॉर्डर मिलेगा, रियली रियली नाइस। एंड यहाँ पर भी आप देखिए ब्यूटीफुल थ्रेड वर्क, अमेजिंग इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। होपफुली आप लोग को पसंद आया। ऑल ओवर द वाइड व्यू ऑफ द साड़ी, सो इस गोल्डन टसर कलर के साथ आप लोग देख सकते हैं कैसे सबड्यूट कलर्स हमने यूज़ किए हैं, दिस लाइट अनियन पिंक, दिस न्यूट कलर, दिस ग्रे, दिस ग्रीन, इट्स वेरी नाइस। एंड पूरे साड़ी में ऐसे फ्लोरल बंच आपको देखने को मिलेगा जो इस पैटर्न में जा रहा है, एंड इस एंटायर साड़ी में आपको कोई भी फिगर मोटिव देखने को नहीं मिलेगा। जिन लोगों को फिगर मोटिव से यू नो अवॉइड करना चाहते हैं फिगर मोटिव, ये साड़ी उन लोग के लिए बहुत अच्छा है, एंड पल्लू के कलर के साथ मैच करके पल्लू दिया है। जैसे इस साड़ी में ये जो लीफ कलर आप लोग देख रहे हैं, ये वाला जो लीफ कलर है उसी के साथ मैच करके हमने ये काथा वर्क का पल्लू दिया। यस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल डिजाइन, ब्यूटीफुल पल्लू वर्क, उसके साथ लुक एट द बेस फैब्रिक कलर, द बेस फैब्रिक कलर इज रियली रियली नाइस, कम्प्लीटली इन पेस्टल शेड, एंड हर एक फ्लावर में आप देखिए आउटलाइन किया गया है काथा वर्क के साथ, एंड सेक्वेंस स्टेम में पूरे पैटर्न में ही काथा वर्क से पूरा साड़ी एकदम एंटायरली हाईलाइटेड है विद सेक्वेंस वर्क, रियली नाइस एंड ब्राइट, पेस्टल शेड के ऊपर है,
एंड टाइमलेस पीस है। बेस फैब्रिक सेमी टसर के ऊपर रहेगा, वेरी वेरी एलिगेंट, प्राइस रेंज भी बहुत रीजनेबल है। एंड दिस इज द ब्लाउज पीस, वी आर गेटिंग अ वेरी नाइस ब्लाउज पीस विद दिस साड़ी। नाउ दिस इज यू कैन से इट्स जस्ट द रिवर्स ऑफ द लास्ट साड़ी। इसमें क्या किया है, हमने बेस फैब्रिक कलर को रखा है ग्रीन में, एंड ये जो फ्लावर का कलर है पिंक में, जो आप हर साड़ी में देख रहे हैं जो पिंक फ्लावर है, उसी कलर का हमने पल्लू दिया है। यस, दिस इज द पल्लू एंड दिस इज द फ्लावर कलर। ऑल ओवर साड़ी में आपको ये फ्लोरल वर्क देखने को मिलेगा। बेस फैब्रिक कलर इज रियली रियली नाइस, ऑल ओवर देखेंगे। द वर्क इज आल्सो सो ब्यूटीफुल। इसके साथ आप लोग क्योंकि बॉर्डर में गोल्डन जरी का वीविंग है, तो इसके साथ जरा सा हल्का सा यू नो स्लीक गोल्ड ज्वेलरी पहनिए, कैरी कीजिए, बहुत अच्छे लगेंगे। एंड पल्लू के साथ मैच करके ये ब्लाउज पीस दिया। दिस इज द ब्लाउज पीस एंड दिस इज द फोर्थ कलर ऑप्शन जो ब्लू में है। एंड ब्लू के साथ भी हमने कॉन्ट्रास्ट में उसी पिंक कलर का ही इस्तेमाल किया है जो आपको इस फ्लावर मोटिव में देखने को। एंड मैच करके वही ब्लू कलर के थ्रेड को भी हमने इस पल्लू में डाला। यस, यू कैन सी फिनिशिंग, आप देखिए एकदम टॉप नॉच। यहाँ पर आप देखिए बॉर्डर का फिनिशिंग एकदम, रिवर साइड भी देखिए बहुत ही नीट वीविंग है। एंड दिस इज द बेस बॉडी, ऑल ओवर ये वर्क जाएगा। ऑल द कलर्स आर वेरी वेरी आई सूदिंग। दिस इज कोरल ब्लू कलर, रियली नाइस एंड वेरी आई सूदिंग, कम्प्लीटली इन पेस्टल शेड। एंड यहाँ ये वाला साड़ी में भी आपको पूरा ऑल ओवर काथा वर्क से हाईलाइटेड मिलेगा एंड सेक्वेंस वर्क के साथ मिलेगा। एंड दिस इज द ब्लाउज पीस। आज का जो एपिसोड था वो बहुत ही स्पेशल एक एपिसोड था। बहुत सारे नए नए डिज़ाइन आप लोगों को दिखाए हैं सेमी टसर के ऊपर। फ्यूजन स्टूडियो डेवलपमेंट्स, न्यू कलर्स, न्यू डिज़ाइन, न्यू कॉन्सेप्ट। नाउ इट्स टाइम टू सी देवांजलि शो स्टॉपर साड़ी विच इज ऑल्सो वेरी वेरी स्पेशल। एंड आई हैव टू ऑप्शंस ऑफ शो स्टॉपर। कलर ऑप्शंस नहीं है, दोनों साड़ी सिमिलर कॉन्सेप्ट्स के हैं, डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट डिजाइंस के हैं, कॉन्सेप्ट सेम है। कॉन्सेप्ट क्या है, ब्यूटीफुल सेमी टसर फैब्रिक के ऊपर यू नो हैंड वोवन फ्रेंच नॉट, काथा वर्क, सेक्वेंस वर्क, साड़ी में जो भी काम आप लोग देखेंगे दैट्स एंटायरली हैंड स्टिच्ड। सो इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीस एंड बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस रेंज में है कंसिडरिंग इट इज ऑल हैंड वर्क। यस, सो लेट्स स्टार्ट विद द पल्लू। जस्ट लुक एट द पल्लू डिज़ाइन। यहाँ पर आप देखिए वीविंग का फिनिशिंग देखिए, टेक्निक देखिए। यहाँ पे लीफ में जैसे पारसी वर्क डाला है हमने। यस, यहाँ पे पारसी वर्क है। यहाँ पे आप सीक्वेंस का भी वर्क देख सकते हैं। दिस इज एंटायरली काथा विद सीक्वेंस। यस, ऐसे पूरा लेयर बाय लेयर आपका पल्लू में वर्क देखने को मिलेगा। एंड दिस इज द पीस बॉडी। यहाँ पर भी आप देखिए हैवी वर्क दिया गया है, रियली नाइस। एंड बेस बॉडी में ये जो बूटा वर्क है वहाँ पर भी आप देखिए पूरा हैंड स्टिच्ड है, ऑल ओवर देखने के। एंड हर एक मोटिव सेक्विंग से हाइलाइटेड है। यस, हर एक बूटा जो आपको देखने को मिलेगा हैंड वीविंग पूरा सेक्वेंस से हाईलाइटेड है। सो दीज आर रियली रियली नाइस पीसेस। ये सभी साड़ियाँ जनरली हम प्योर टसर में पहले बनाते थे जिनका प्राइस ऑलमोस्ट अराउंड 14-15,000 होता था। बट आप लोग का रिक्वेस्ट के ऊपर बेस करके वही सेम कॉन्सेप्ट हमने सेमी टसर में लाए हैं रीजनेबल प्राइस रेंज में विद इन 5K। होपफुली आप लोगों को पसंद आ रहा है। एंड आज के एपिसोड में आपको हैवी डिस्काउंट भी मिल रहा है। प्लीज़ डू मैंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो कैसा लगा दिस इज द ब्लाउज पीस। एंड स्लीव्स के लिए भी आपको बॉर्डर का एक बूटा दिया गया है। एंड दिस इज द लास्ट साड़ी ऑफ टुडेज एपिसोड। दिस इज द सेकेंड ऑप्शन विद अनदर ब्यूटिफुल पैटर्न ऑफ हैंड स्टिचिंग इन पारसी वर्क, काथा एंड सेक्वेंस। सो ये वाला साड़ी भी आप लोग देख लीजिए एंड देन आप लोग डिसाइड करके हमें बताइए आपको कौन सा साड़ी ज़्यादा पसंद आया शो स्टॉपर। Yes, absolutely. This is a very nice and lovely piece. This is showstopper का second option. पल्लू में यहाँ पे आप देखिए स्ट्राइप कॉन्सेप्ट में आपको काथा वर्क जा रहा है विद दिस मल्टीपल सीक्वेंस वर्क। यहाँ पे आप देखिए मल्टीपल सीक्वेंस हैज बीन यूज्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे आप आउटलाइन में देखिए पारसी वर्क। दिस इज पारसी वर्क, दिस इज फ्रेंच नॉट आई गेस।
पारसी वर्क किया गया है, उसके साथ यहाँ पे फ्रेंच नॉट वीविंग भी दिया गया है। सो ये सब वीविंग टेक्निक्स जो होते हैं ये बहुत प्राइसी रेंज के साड़ियों में आपको देखने को मिलेगा, अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 15,000 के ऊपर के साड़ियों में आपको ऐसे हैंडवर्क के वर्क देखने को मिलेंगे। बट आप लोगों के लिए रीजनेबल प्राइस रेंज में हमने ये सभी हैंडवर्क्स लेकर आए हैं ताकि सब ऐसे कॉन्सेप्ट के साड़ियों को पहन सकें। ऑल ओवर देख लेंगे, एक्सेलेंट पीस इट इज। अगेन दोनों तरफ आपको जरी का बॉर्डर मिल रहा है, गोल्डन ब्यूटीफुल डिजाइन, इट्स रियली नाइस एंड लवली। एकदम सेमी टसर का जो टेक्सचर है वो प्योर टसर के जैसा 90% मैच कर जाएगा, दूर से देख के कोई भी नहीं बता पाएगा इतना अच्छा फिनिशिंग है। दिस इज द ब्लाउज पीस, स्लीव्स के लिए भी आप देखिए वर्क दिया गया है। आज के एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीक क्या जॉनर पे देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मेंशन करके हमें बताएं। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, स्टे गुड, गॉड ब्लेस एवरीवन, पीस आउट, बाय एवरीवन।